आई रोट द आंसर विथ ए पेन और आई रोट द आंसर बाय ए पेन. आई गॉट वेल्दी बाय सेलिंग कार्स और आई गॉट वेल्दी विथ सेलिंग कार्स. इनमें से कौन सा सही है? वैसे पहले वाले क्वेश्चन में हमारा विथ का यूज़ करना सही है जो कि है आई रोट द आंसर विथ ए पेन, और सेकेंड वाले में हमारा बाय का यूज़ करना सही है जो कि है आई गॉट वेल्दी बाय सेलिंग कार्स. जब हम हाउ लगा के क्वेश्चन करते हैं तब हमको इसका आंसर मिल जाता है, जैसे कि हाउ डिड यू राइट द आंसर, आई रोट द आंसर विथ ए पेन. हाउ डिड यू गेट वेल्दी, आई गॉट वेल्दी बाय सेलिंग कार्स. बट कहाँ पे हमको विथ का यूज़ करना है और कहाँ पे हमको बाय का यूज़ करना है, चलिए आज के इस वीडियो में हम उसके बारे में सीखते हैं. हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड जय श्री कृष्णा. आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कहाँ पे हमको विथ का यूज़ करना है और कहाँ पे बाय का यूज़ करना है. तो चलिए पहले हम विथ से स्टार्ट करते हैं. जब हम बोलना चाहेंगे किसी के साथ, मतलब कि ये कोई बॉडी पार्ट हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है या फिर कोई थिंग हो सकता है, जब हम बोलना चाहेंगे कि उसके साथ, तब हम वहाँ पे विथ का यूज़ करेंगे. बॉडी पार्ट्स में आ गया आपका आई स्माइल विथ माई लिप्स, वी सी द ब्यूटी विथ आवर आइज, ही लिफ्टेड द बैग विथ हिज हैंड्स. अगर हम पर्सन की बात करें तो विल यू प्ले विथ मी, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे. सी डांस्ड विथ मी, उसने मेरे साथ डांस किया. विल यू गो विथ जेनी, क्या तुम जेनी के साथ जाओगे. वुड यू प्ले विथ मी, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे. तो ये सब सेंटेंसेस में हमने विथ के साथ एक पर्सन का यूज़ किया है. और अगर हम थिंग्स की बात करें तो आई एम सेटिस्फाइड विथ एवरीथिंग, मैं हर चीज़ से संतुष्ट हूँ. आई डोंट लाइक टी विथ मिल्क, मुझे दूध के साथ चाय पसंद नहीं है. तो यहाँ पे हमने विथ के साथ थिंग्स का यूज़ किया है. तो यहाँ पे हमने सीखा कि हमारे सेंटेंस में अगर कोई बॉडी पार्ट्स, कोई थिंग्स या फिर कोई इंसान आ जाए तब हमको वहाँ पे विथ का यूज़ करना है. इसका और एक यूज़ है, जब हम कोई इंस्ट्रूमेंट या फिर टूल्स के बारे में बात करते हैं कि जिसकी मदद से हमने वो काम को किया है, तो उसको शो करने के लिए भी हम विथ का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई रोट द आंसर विथ ए पेन, मैंने पेन से आंसर को लिखा. द एंग्री नेवर हिट द डॉग विथ अ स्टिक, उस गुस्से वाले पड़ोसी ने कुत्ते को लाठी से मारा. ही डिड इट विथ हैमर, उसने हैमर से इसको किया. तो इन सब सेंटेंसेस में हैमर, पेन और स्टिक ये सब इंस्ट्रूमेंट्स हैं या फिर टूल्स हैं. अब चलिए देखते हैं हम बाय का यूज़ कहाँ पे करते हैं. अगर बाय के साथ हमको वर्ब का यूज़ करना है तब हमको वहाँ पे वर्ब के साथ आईएनजी का यूज़ करना नेसेसरी है, जैसे कि आई गॉट वेल्दी बाय सेलिंग कार्स, सी लर्न्ड हिंदी जस्ट बाय वॉचिंग बॉलीवुड मूवीज, इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय ड्रिंकिंग बॉइलिंग वाटर. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने बॉयल, सेल और वॉच के साथ आईएनजी का यूज़ किया है. यहाँ पे क्या होगा, दे डीड इट बाय हैमर और दे डीड इट विथ हैमर. यहाँ पे राइट आंसर होगा दे डीड इट विथ हैमर, क्योंकि हैमर एक इंस्ट्रूमेंट या फिर टूल है. बट आप यहाँ पे बाय का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको वर्ब का यूज़ करना होगा, जैसे कि दे डीड इट बाय यूजिंग ए हैमर. आई स्माइल विथ माई लिप्स और आई स्माइल बाय माई लिप्स, द राइट आंसर इज आई स्माइल विथ माई लिप्स, क्योंकि लिप्स एक बॉडी पार्ट्स है. आप यहाँ पे बाय का यूज़ भी कर सकते हैं, बट आपको वहाँ पे वर्ब के साथ आईएनजी का यूज़ करना होगा, जैसे कि आई स्माइल बाय मूविंग माई लिप्स. बाय के बाद हम नाउन का यूज़ भी कर सकते हैं. इन तीन केसेस में जब हमको बोलना हो कि किसी के साइड में, मतलब कि बिसाइड समथिंग, तब हम वहाँ पे बाय का यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, ही लिव्स बाय ट्रेन स्टेशन, वो स्टेशन के पास रहता है. आई वुड लव टू लिव इन अ हाउस बाय द सी, मुझे समंदर के पास जो घर होते हैं वहाँ पे रहना पसंद है. अब इसका दूसरा यूज़ हम ट्रांसपोर्ट के लिए करते हैं. इट मीन्स हाउ यू ट्रैवल समवेयर. आई गो टू वर्क बाय कार, मैं कार से काम पे जाती हूँ. ही वेंट टू दिल्ली बाय ट्रेन, वो ट्रेन से दिल्ली गया. आवर चिल्ड्रेन हैव नेवर ट्रैवल बाय प्लेन बिफोर, हमारे बच्चों ने इससे पहले प्लेन नहीं चढ़ी थी. अब इसका लास्ट यूज़ हम कम्युनिकेशन के लिए करते हैं. आप जिसकी मदद से किसी के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं या फिर संपर्क करना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको बाय का यूज़ करना है, जैसे कि आई स्पोक टू हर बाय टेलीफोन, मैंने उसके साथ टेलीफोन में बात की. प्लीज़ कन्फर्म द ऑर्डर बाय ईमेल, ईमेल के द्वारा इस ऑर्डर को कन्फर्म करो. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ईमेल या फिर टेलीफोन ये एक मीडियम है, और इसके द्वारा हमने किसी के साथ बात किया या फिर कम्युनिकेट किया.
तो फिर उस मीडियम से पहले हमको बाय का यूज़ करना है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको बाय और विथ के बीच में डिफरेंसेस समझ में आ गया होगा, और इस वीडियो को देखने के बाद आप बाय और विथ का यूज़ अपने सेंटेंसेस में इजीली कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर।